हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं इस सीरीज का। वी हैव ए ब्लॉक ऑफ द वेट 10 न्यूटन इज फास्टेंड टू द वन एंड ऑफ द वायर ऑफ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 mm² and is rotated in a vertical circle of the radius how much 20 cm। तो कुछ ऐसा हो रहा होगा यहाँ पे, एक ब्लॉक को ऐसे एक एंड ऑफ द वायर से हमने उसको टाई कर दिया और फिर उस ब्लॉक को हमने रोटेशन दे दी वर्टिकल सर्कल की, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द बॉटम इज, यानी बॉटम वाली पोजीशन ये है, यहाँ स्पीड ऑफ द ब्लॉक कितनी है 2 m/s। दिस विल बी द टेंजेंशियल स्पीड एंड फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन द ब्लॉक इज एट द बॉटम ऑफ द सर्कल। देखो, इलोंगेशन ऑफ द वायर पूछने का मीनिंग यही है, डेल्टा एल हमसे पूछा गया है एंड द ओरिजिनल लेंथ विल बी बिहेव एज ए रेडियस। सो हाउ टू प्रोसीड दिस फर्दर, वी हैव गिवन यंग मॉडुलस वैल्यू। देखो क्वेश्चन तो क्लियर है, यंग मॉडुलस लगाएंगे स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस टेंशन ओवर द एरिया, स्ट्रेन डेल्टा एल ओवर द एल, सो वाई डेल्टा एल ओवर एल टी बाई ए, हमें निकालना है डेल्टा एल, सो टी एल ए वाई नीचे, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर ये तो है सिचुएशन, जिसमें जो पता है मैं उसको येलो शीट कर देता हूँ। हमें यंग मॉडुलस पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है और लेंथ ऑफ द वायर पता है। सिर्फ काम है अगर हम ये टेंशन इन दी वायर निकाल लें तो इलोंगेशन आ जाएगा, ठीक हो गया। तो वो निकालने के लिए देखो हमें मैकेनिक्स लगानी पड़ेगी यहाँ पे, एक तो उसका वेट लग रहा है, एक यहाँ टेंशन इन दी वायर टी है और इसके साथ साथ उसकी ऐसी वर्टिकल मोशन हो रही है। सो वी नो फॉर द वर्टिकल मोशन एज ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन टू बी पॉसिबल वी नीड टू अप्लाई ए सेंट्रीपेटल फोर्स। और वो सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ उसे कैसे मिल रही होगी, डेफिनेटली सेंट्रीपेटल फोर्स होती है टुवर्ड सेंटर, वो मिल रही होगी सेंटर की तरफ को जो नेट फोर्स यहाँ बन रही होगी, और वो कैसे बनेगी, डेफिनेटली टेंशन माइनस एम जी से बनेगी, वो टेंशन माइनस एम जी से। तो आपने सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला लिखा ना, एम वी स्क्वायर बाय आर लिखा। मुझे यहाँ से टी की जरूरत है, सो एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये जो टी हमें चाहिए था वो टी हमें यहाँ से मिलेगा, एम एच कॉमन जी प्लस वी स्केयर बाय आर। हाउ मच इज मास, अच्छा हमें वेट ही दिया हुआ है 10 न्यूटन, तो जी हमें देखो बताया नहीं है क्वेश्चन में, जब बताया नहीं है तो वी विल अज्यूम इट एज कंप्लीट, एम जी इज 10 न्यूटन। तो इसको ऐसा करते हैं, पर आगे जाके हमें बेटा जरूरत तो पड़ने ही वाली है एम की, तो एक काम करते हैं
The M becomes 10 by G, और जरूरत पड़ी तो G को 9.8 तो हम डाल ही देंगे, कोई इशू नहीं है. सो द एम जी इज 10 न्यूटन, यहाँ डाला हमने 10 न्यूटन. फर्दर एम इज 10 बाई जी, और वी कितना दिया हुआ, वेलोसिटी इज 2 का स्क्वायर, आर कितना है 20 cm, इसको मीटर में करना होगा, कर दिया. एंड इस चीज को 10 प्लस 10 बाई जी 4, 2 into -1, 2 जो 4, 20, एक और ऊपर 10, नीचे जी, सो टू हंड्रेड डिवाइड बाई जी. जस्ट टू मेक इट सिंपल हेयर, इफ आई पुट जी एस 10, यू विल गेट टेंशन एस 30 न्यूटन, और उस टेंशन को जब आप यहाँ डालेंगे, लेंथ कितना लेंगे, ये वाली लेंथ रेडियस का काम करेगी, 20 सेंटीमीटर. ऐसे ही में बदल दिया, एरिया कितना लेंगे, 3 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर मिली की वैल्यू का स्क्वायर, और यंग मॉडुलस 2 into 10 की पावर 11. इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट आंसर इन द एसआई यूनिट व्हिच इज मीटर, और इसको मैच कर लेना. कैलकुलेशन आपके छोड़ता हूँ. इट विल कम आउट टू बी 10 माइनस 3, मेरे पास सेंटीमीटर में आंसर है, तो फॉर दिस 10 माइनस 3 सेंटीमीटर will be equivalent to how much, -2 meter, यानी कि 10 माइनस 5 मीटर में आंसर आएगा आपका. ओके, सो हाउ टू डील, देखो आप इस चैप्टर में कितने अच्छे तरीके से मैकेनिक्स यूज हो रही है, तो बार बार इसीलिए कहा जाता है कि फिजिक्स की जो मैकेनिक्स है, आपकी जो 11th की एनसीईआरटी पार्ट 1 है वो कम्प्लीटली मैकेनिक्स है. सेकंड पार्ट में भी मैकेनिक्स का काफ़ी हिस्सा है, बट बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स फर्स्ट बुक में ही इन्वॉल्व है, और वो हर जगह यूज में आती है. इस चैप्टर में भी आप देख रहे हो कितना उसका यूज है, उसके बिना बेटा फिजिक्स आ ही नहीं सकती, इसलिए पहला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, फिलहाल मैं जो ये सीरीज चला रहा हूँ, मैं इसमें सेकंड पार्ट अभी कवर करूँगा, फिर लेटर ऑन मैं फर्स्ट पार्ट पे आऊँगा, क्योंकि उसका मेन कारण ये है ऐसा करने का, क्योंकि फर्स्ट बुक लगभग बच्चों ने काफ़ी पढ़ी होती है, सेकंड बुक में ही उन्हें दिक्कत आती है, उन्होंने कम पढ़ी होती है, इसलिए हम इन क्वेश्चंस की सीरीज को सबसे पहले सेकंड बुक पे अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, आप तक डायरेक्टली थ्रू नोटिफिकेशन पहुँचे. ठीक है बेटा.